हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। ये एक जनरल रीडिंग है प्लस टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिए। जब भी आप इसे देखेंगे उस समय से शुरू करके जो आने वाला 24 घंटा होगा ये आपको रेजोनेट करना चाहिए। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट एंड लास्ट में हम लोग चैनल्ड मैसेजेस भी ड्रॉ करेंगे। ओके, वी हैव द पेज ऑफ कप्स, वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एनर्जी, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी एंड द टू ऑफ कप्स एनर्जी। आई थिंक इस 24 घंटे में आपकी जो एनर्जी है दैट इज़ समथिंग जो लोगों के लाइक कहते हैं ना, नज़रें चुरा रहा है, यू नो, बिकॉज यू आर समबडी जो एक तो या तो आप अच्छे दिख रहे हो, या तो आप अपना काम इतना अच्छे से कर रहे हो, या आप अपना लाइफ इतना अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आप बहुत प्रोडक्टिव हो, या आप में भी कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे लोग काइंड ऑफ आपसे नज़र नहीं हटा पा रहे हैं। दैट इज़ हाउ आई एम सीइंग इट। ज़रूरी नहीं है कि ये सारे लोग आपसे लाइक रोमांटिकली अट्रैक्टेड है या फिजिकली अट्रैक्टेड है। हो सकता है कुछ लोग बस आपके काम से अट्रैक्टेड है, आप जितना प्रोफेशनली काम कर रहे हो, या आप जितना क्रिटिकल चीज़ों को इतना चुटकियों में सॉल्व कर रहे हो, या आप जितना आराम से चीज़ों में आप डिसीशन मेकिंग कर रहे हो, या जिस तरीके से आप अपनी टीम को हैंडल कर रहे हो, या वॉट एवर इट इज़, या आप एज अ पर्सन जैसे हो, लोग आपसे इम्प्रेस्ड है इस 24 घंटे में। लोग आपको काइंड ऑफ देख रहे हैं एज इफ कि हाँ, लाइक इस इंसान में कुछ तो अलग बात है, इस इंसान में कुछ तो डिफरेंट है, इस इंसान की एनर्जी बहुत अलग है, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। सो ये पर्सन एक अच्छा फ्रेंड बन सकते हैं, या लवर बन सकते हैं, या एक अच्छे गाइड बन सकते हैं। सो पीपल आर व्यूइंग यू एज समबडी जो उनके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि आप एक वैल्यूएबल किस्म के पर्सन हो। आप कुछ ऐसा कर रहे हो, या आप ऐसा दिख रहे हो, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है दैट पीपल आर सीइंग यू एंड वो लोग आपको इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। और लाइक आपकी एनर्जी सबको बहुत डिफरेंट तरीके से आज हिट करेगा। सो आज एक बहुत अच्छा दिन है अगर आप कुछ प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, अगर आप अपने क्लाइंट के पास जाने वाले हो, अगर आप कुछ बिजनेस डील्स क्रैक करने वाले हो, या ऑल्सो अ गुड डे अगर आप किसी को इम्प्रेस करने वाले हो रोमांटिकली, या आप कोई डेट नाइट प्लान कर रहे हो, या वॉट एवर इट इज़, क्योंकि लोग आज आपकी बातों को सुनेंगे, लोग आज आपको नोटिस करेंगे, लोग आज आपकी बातों को या आपको वैल्यू करेंगे, यू नो, थोड़ा सा एनर्जेटिक शिफ्ट आपको नज़र आएगा। नाउ मोस्टली आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ आज वर्क या करियर से भी ज़्यादा जो एनर्जी यहाँ पे मौजूद है दैट इज़ ऑफ योर ऑफ अ पर्सन। ठीक है, अब ये जो पर्सन है और आपके बीच का जो रिश्ता है, आई फील लाइक सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रिलेशनशिप है या ये कोई मैरिज है। फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ पर्सन जिनके साथ आप बस टॉकिंग स्टेज में हो, आप बस बातें करते हो, आप बस इस पर्सन के बारे में सोचते हो, लाइक मे बी आप श्योर नहीं हो कि इस पर्सन के मन में क्या है आपके लिए। सो देर इज़ दिस एनर्जी ऑफ अभी भी चीज़ें फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी भी नहीं पता चीज़ें किस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी भी श्योरिटी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। ये उस स्टेज की बात कर रही हूँ मैं इस रिलेशनशिप में। And now I feel that this is a connection जो आगे बढ़ तो रहा है, आगे बढ़ेगा भी, but यहाँ पे कुछ temptations काम करेगा because the devil is absolutely in between। कुछ temptations ऐसे काम करेगा जिससे आपको सावधान रहना है because I feel like ये relationship आपको जितना फन नज़र आ रहा है इसका एक डार्कर साइड भी है।
ये नहीं कह रही हूँ कि ये पूरा चीज़ ही बेकार है या पूरा सिचुएशन से आपको भाग जाना चाहिए, नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि यहाँ पर जो कुछ भी अभी है ये बहुत फास्ट मूव करने वाला है, या अभी तक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पर्सन कौन है, दिस इज़ समबडी हु इज़ कमिंग टू योर लाइफ इन द नेक्स्ट वीक, एक हफ्ते के बीच, दिस इज़ समबडी हु इज़ कमिंग, दिस कुड बी अ कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, ज़रूरी नहीं है ये साइंस बट स्टिल मे बी आपको भनक भी नहीं है कि ये कौन है, मे बी आपको है, मे बी आपको नहीं है, बट दिस इज़ डेफिनेटली समबडी जो आपकी एनर्जी में है या तो बहुत जल्दी आने वाले हैं, कुछ दिनों के अंदर, उससे बाद, उसके बाद भी नहीं, कुछ दिनों के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ दिस एनर्जी। चीज़ें बहुत फास्ट मूव करेगा, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि कुछ चीज़ें अगर बिना सोचे समझे आप करते हो, बस जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी हो रहा है सब कुछ, मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस भी वैसे ही होते हैं। सो कोई भी ट्रैप में मत फंसिए, कोई भी टेम्पटेशन में गिव इन मत कीजिए। अगर आपको कोई कनेक्शन बिल्ड करना है या इस पर्सन के साथ अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, तो इसे समय देके समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पर्सन में बहुत जल्दबाजी है, इस पर्सन में बहुत एक फायरी, यू नो, टेम्पटेशन वाला एनर्जी है, बिकॉज़ आई सी देर इज़ इमोशंस, या यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर ये आपके जान पहचान के कोई पर्सन है या कोई पास्ट पर्सन है या किसी के साथ जो आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, देखिए इमोशंस यहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, लेकिन इमोशन से भी ज़्यादा टेम्पटेशन, फिजिकल अट्रैक्शन है। आई डोंट थिंक ये पर्सन इस वक्त इमोशंस के बारे में उतना सोच भी रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे इमोशनली आप हमेशा ज़्यादा गिव किए हो, आपने हमेशा ज़्यादा दिया है इमोशनली। इस पर्सन ने बस लिया है इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, अनकंडीशनल लव, बट इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं हुआ इस कनेक्शन में। इक्वली आप लोग ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने जितना किया है मेरे पर्सन ने भी उतना ही किया है, एक्चुअली में नहीं किया है। सो इस पर्सन के अंदर इमोशन जितना काम करता है उससे कई गुना ज़्यादा अट्रैक्शन, टेम्पटेशन काम करता है। इन्हें शॉर्टकट लेना है, इन्हें बस फन ओरिएंटेड रहना है, इन्हें इस रिलेशनशिप का सिर्फ अच्छा पार्ट लेना है, सिर्फ जिस पार्ट में मज़ा है, हंसी है, फन है, वो देखना है। इन्हें शैडो साइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर ये तो नहीं लेना चाहते छोड़िए, बट आप अगर जल्दबाजी में, अगर आपने इन्हें इनके हाँ में हाँ मिलाया, तो शायद आपको शैडो साइड का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ सकता है बाद में। सो बी वेरी केयरफुल दैट आप किसे कितना क्या अलाउ कर रहे हो लाइफ में, आप कितना सहमत हो उस चीज़ से, एंड आप प्रॉपर टाइम दे रहे हो चीज़ों को बिल्ड करने के लिए। जल्दबाजी में कभी भी मजबूत स्ट्रक्चर्स बिल्ड नहीं होते, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जल्दबाजी में कभी बनते नहीं हैं, इट टेक्स टाइम। आप टेम्पररी स्ट्रक्चर बना सकते हो कुछ दिनों का, कुछ महीनों का, कुछ सालों का, बट परमानेंट नहीं बना सकते। सो बी वेरी 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 केयरफुल दैट ये पर्सन कौन है एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग विद दिस पर्सन। अगर ये कोई प्रेजेंट पर्सन नहीं है तो ट्रस्ट मी दिस इज समबडी हु इज कमिंग फॉर यू। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू देर इज दिस पर्सन हियर, आपको लगता है ये पर्सन शर्मिंदा है अपने किए कराए से, बट ये पर्सन है नहीं, ये कोई और इंसान भी हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन समझ गए होंगे, ये पर्सन अंडरस्टैंड किए होंगे दैट उन्होंने गलत किया, ये कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई कज़न हो सकते हैं, ये कोई फ्रेंड, लवर, कलीग, कोई भी हो सकते हैं, बट आपको लगता है ये पर्सन समझ गए कि इन्होंने गलती किया या कहाँ पर गलती हुआ, बट एक्चुअली में ये पर्सन नहीं समझे हैं। ये इस पर्सन का ईगो या इस पर्सन का ये जो एक नेचर है कि मुझे सब पता है, मैं ज़्यादा जानता हूँ या मैं ज़्यादा जानती हूँ, ये है उनका नेचर जो उन्हें रोकता है असलियत को समझने में। दिस इज समबडी हु इज नॉट सॉरी। सो अगर ये पर्सन आके आपसे कहे भी कि ये बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है, जस्ट रिमेंबर दैट ये इसलिए कह रहे हैं ताकि उनको फिर से आपके लाइफ में आने की टिकट मिल सके।
सो बेसिकली इस 24 घंटे लोग आपको ज़्यादा स्ट्रेस आउट करेंगे, आपका काम या आपका पर्सनल ज़िंदगी कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो ऑलमोस्ट स्टेबल रहेगा, जैसा है वैसा रहेगा। बट ये जो लोग हैं आपके आसपास, स्पेशली आपके लव में, आपके थोड़ा सा रोमांटिक साइड में, वहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ दिनों के अंदर या इस 24 घंटे के अंदर। एंड फ्रेंडशिप्स, पीपल जिनके साथ आप हर रोज़ डील कर रहे हो, ऑफिस में, स्कूल, कॉलेजेस में, अपने लोकेलिटी में, फैमिली में, यही लोग हैं जो आपके बेसिकली ड्रामा क्रिएट कर सकते हैं इस 24 घंटे में। एंड ये ड्रामा तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप उन्हें अलाउ करेंगे, जब आप उन्हें बहुत ज़्यादा एक ओपन स्पेस देंगे कि वो आके कुछ भी करें, कुछ भी बोले, एंड ऑल दैट स्टफ। सो अगर आप पहले से ही थोड़ा रिजिड रहेंगे या अपने बाउंड्रीज का ख्याल रखेंगे, तो एक्चुअली ये ड्रामा क्रिएट नहीं होगा आपके लाइफ में। लेट्स सी सम चैनल्ड मैसेजेस। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं अभी, एंड आप पूछ सकते हैं यूनिवर्स से या किसी भी स्पेसिफिक पर्सन से अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन है आज जो आप जानना चाहते हैं। मे बी इन चैनल मैसेजेस में आपके लिए कुछ ऐसा मैसेज हो जो आपको रेजोनेट कर जाए। सो अगर आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए, यू कैन पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड आस्क योर क्वेश्चन टू द यूनिवर्स या कोई स्पेसिफिक पर्सन। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ योर चैनल्ड मैसेजेस हियर। क्राइंग एंड डिप्रेशन, जेंडर रोल्स, फियर ऑफ कमिंग टुगेदर, प्रपोजिंग, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, लिव योर पैशन। सेकेंड चांसेस, स्टेबिलिटी विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू, हेल्दी सेक्सुअलिटी, वन मोर सपोर्ट। ओके लिसन, बॉटम डेक एनर्जी है डीप कॉन्टेम्पलेशन। लिसन, यहाँ पे बहुत सारे मैसेजेस हैं। एक्चुअली मैं पहले शुरू करूँगी, विच वन शुड आई स्टार्ट फर्स्ट? ओके, मैं पहले यूनिवर्सल मैसेज से शुरू करूँगी। यूनिवर्स की तरफ से एक ही मैसेज है बेसिकली। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का पर्सन से कुछ मैसेजेस है दैट आई एम चैनलिंग। यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे, इफ़ आई डोंट नो आपने क्या क्वेश्चन किया है यूनिवर्स से, बट यूनिवर्स आपको एक ही चीज़ कहेंगे दैट फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी। इस टाइम पे लाइफ में कोई भी काम हड़बड़ी में मत कीजिए, बिना सोचे समझे मत कीजिए, किसी को फॉलो करने के लिए मत कीजिए या किसी के जैसा बनना है मुझे इसलिए मत कीजिए। इफ़ यू वॉन्ट टाइम, यू टेक टाइम। डोंट फील लाइक कि टाइम इज़ रनिंग आउट या मैं पीछे रह गया या मुझसे नहीं होगा या सब आगे निकल गए। इट्स नेवर दैट, आप बिल्कुल वहीं पे हो जहाँ पे आपको होना चाहिए था, ठीक है? सो दिस इज़ अ टाइम यू गिव योर सेल्फ। आपको बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको खिड़की से झाँक के देखने की ज़रूरत नहीं है कि दूसरों के लाइफ में क्या हो रहा है। आप अगर अपना लाइफ देखते हैं वो काफ़ी है। इफ़ यू हैव स्टेबिलिटी, इफ़ यू आर ग्राउंडेड, इफ़ यू नो वॉट यू हैव टू डू, दैट इज़ एनफ। डोंट वरी कि बाहर क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, डज नॉट मैटर। ये है आपका यूनिवर्सल मैसेज। अब आते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस के ऊपर। नाउ देर इज़ समबडीज हायर सेल्फ, पर्सनस हायर सेल्फ दैट इज़ कमिंग फॉरवर्ड एंड टेलिंग यू। ये पर्सन गायब इसलिए हो गए थे क्योंकि इन्हें पता था कि इस कनेक्शन में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एंड ही और शी वॉज नॉट रेडी टू टेक दैट। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने काइंड ऑफ इन्वेस्ट ये करने लगे थे आपके साथ, लाइक इमोशंस हो गया या टाइम जो स्पेंड कर रहे थे ये आपके ऊपर, एफर्ट्स में भी ये कुछ दे रहे थे आपके ऊपर। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आया कि इन्हें लगा कि ये कनेक्शन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनते जा रहा है। लाइक इस कनेक्शन में वो कुछ भी कर रहे थे तो आपको इफेक्ट हो रहा था, आप उनके बिहेवियर से मे बी दुखी थे या आप मे बी उनके बिहेवियर को किसी टाइप का सवाल कर रहे थे या वॉट एवर वॉज हैपनिंग। ही वॉज और शी वॉज ऑफ दिस ओपिनियन कि मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं ले सकता या नहीं ले सकती,
इतना तो मुझसे नहीं होगा, आई कांट थिंक सो मच, आई कांट बी इन्वेस्टेड सो मच, आई कांट गिव सो मच टाइम, आई कांट गिव सो मच एफर्ट। दैट इज़ द रीज़न ये गायब हो गए थे, क्योंकि उनका उन्हें बुरा लगा ये करने में, बट उन्हें लगा कि उनको सेल्फिश रीजंस के लिए अपने आप को चूज़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो रेडी नहीं है फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस रिलेशनशिप में था। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी, उनका मेन मकसद आपको चोट पहुंचाना नहीं था, बट अपने आप को काइंड ऑफ बचाना था इस सिचुएशन, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से। दिस वॉज सेल्फिश, बट इस पर्सन ने बेसिकली शॉर्टकट लिया, इस पर्सन ने बेसिकली इनमें वो कॉन्फिडेंस या स्ट्रेंथ नहीं था कि ये कन्फ्रंट करे आपको या कि सच बताए आपको, ये डील करे रियलिटी से। सो ही टुक और शी टुक द शॉर्टकट। नाउ ये और एक मैसेज है फ्रॉम somebody's सेल्फ, हायर सेल्फ। इट्स अबाउट, इट्स सेइंग लाइक कि ये पर्सन इज somebody जो एक रियलाइजेशन किए है रिसेंटली, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन आपके लाइफ के अब प्रेजेंटली हिस्सा नहीं है, पास्ट पर्सन है या सेपरेशन हो गया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ऑलरेडी अभी भी आपके लाइफ में है, अभी भी सेपरेशन हुआ नहीं है, बट इन्होंने रिसेंटली कुछ रियलाइज़ किया है अबाउट आप दोनों के बीच में जो भी कनेक्शन था, हो सकता है रिलेशनशिप था, हो सकता है अभी भी, या फिर हो सकता है बस फ्रेंडशिप था, या बस एक लाइकिंग था, लाइक फ्रेंडशिप से थोड़ा ज़्यादा पर प्यार से थोड़ा कम, वैसा वाला कुछ था। वॉट एवर वॉज देयर, इट वॉज स्पेशल, ठीक है। लेकिन ये जब आपके साथ थे या अभी भी जब ये आपके साथ है, तो ये हमेशा सही से उसे एक्सप्रेस नहीं करते थे या करते हैं, क्योंकि अभी तक वो ये रियलाइजेशन उनमें हुआ नहीं था दैट दिस इज़ समथिंग जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप है। ऐसा प्यार, ऐसा दोस्ती, ऐसा कनेक्शन हर दिन देखने को नहीं मिलता, हर किसी के साथ ऐसा होता नहीं है। ये रियलाइजेशन उनके अंदर आया है, विच इज़ द रीज़न कि अगर ये आपके लाइफ से दूर है, ये वापस से एंट्री करना चाहते हैं। एंड दिस टाइम जब ये वापस आए, तो ये आपको कुछ स्टेबिलिटी या बेटर ऑफर करना चाहते हैं। जैसे ही इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ा, या जैसे ही ये थोड़ा सा विदड्रॉ हो गए थे मेंटली इमोशनली, वैसे ही उन्हें उस खालीपन का महसूस हुआ जो ये आपके साथ रहते हुए नहीं महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप थे वहाँ पर, आप कंटिन्यूअसली उनके साइड में थे, आप कंटिन्यूअसली उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, आप उन्हें हमेशा गाइड कर रहे थे या प्यार दे रहे थे, इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे थे, बट जैसे ही आप गायब हो गए, आप दूर हो गए, नाउ ही और शी इज़ अंडरस्टैंडिंग कि ओ माय गॉड, लाइक दिस इज़ व्हाट आई हैव लॉस्ट एंड आई नीड टू गेट दिस बैक। सो ये वापस डेफिनेटली आएंगे, एंड दिस टाइम ये सीरियसली इन्वेस्ट करने आएंगे, क्योंकि इन्हें वो रियलाइजेशन हो चुका है। दिस इज़ ऑल्सो अनादर मैसेज फ्रॉम अनादर पर्सन जो अभी तक आपके लाइफ में है नहीं, सिंगल्स ये आपके लिए स्पेशली हो सकता है। दिस इज़ somebody हु इज़ कमिंग फॉर यू एज अ फ्रेंड, ये शुरू होगा एज अ फ्रेंडशिप एंड देन इट विल कन्वर्ट इंटू अ रिलेशनशिप, या उसके बाद जो होगा, बट दिस विल स्टार्ट एज अ फ्रेंडशिप। एंड ये फ्रेंडशिप इसलिए इम्पोर्टेंट है आपके लाइफ में, ये उन लोगों को रेजोनेट करेगा जो लोग अभी अपने लाइफ में, आपके लाइफ में कोई भी प्रॉपर फ्रेंड नहीं है, आप किसी को भी अपना लाइक बेस्ट फ्रेंड या ऐसा फ्रेंड नहीं मान सकते जो बिल्कुल अनकंडीशनल है, जिसे आप खुल के कुछ भी कह सकते हैं एंड ये पर्सन आपको जज नहीं करेंगे, या ये पर्सन आपको सही एडवाइस करेंगे, या आप इन्हें कभी भी कॉल कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, वैसा कोई कनेक्शन या फ्रेंड आपके लाइफ में अभी मौजूद नहीं है। सो आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, एंड आई रियली वॉन्ट अ फ्रेंड, आई वॉन्ट somebody कि जिससे मैं बात कर सकूँ, जो मेरी बात को समझे, जो मुझे सही डायरेक्शन दिखाए, जो मुझसे जेलस ना हो, जो मुझे जज ना करे बात बात पे। सो ये वो फ्रेंड है,
हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एंड दिस कैन टर्न इनटू अ रिलेशनशिप, इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि एक टाइम के बाद आप लोग फील करेंगे दैट इट्स मोर देन अ फ्रेंडशिप, पर वो बाद का बात है. यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू दैट यू फोकस ऑन राइट नाउ. ठीक है, बाद में जो होगा वो होगा. दिस फ्रेंड इज़ कमिंग टू यू लाइक विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स या फ्यू वीक्स, आई थिंक ये ज़्यादा दिन भी देरी नहीं है. Also another message here is that there is some type of a sexual connection जो आपके लिए like आ रहा है as an opportunity if you take it. Maybe ये बस एक situationship वाला connection हो सकता है for some of you, but it depends कि आप कितना इसे allow करते हो या आपके life में क्या condition है कि आप इस relationship को जगह दे सकते हो. So this could be like a sexual encounter with a partner जो already आपके life में है, जो already आप जिससे deal कर रहे हो, या तो this could be a new partner. But ये सबके लिए resonate नहीं करेगा. This will only resonate to those who are in that position in life कि वो इस चीज़ को allow कर सके या who are ready for it maybe. So this was like बस कुछ लोगों के लिए this was a message, not for everybody. So that is what I have for you for the day here guys. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर. एंड ऑल्सो कल वाला रीडिंग, बहुत सारे लोगों ने कहा कि उन लोगों को डेट ऑफ बर्थ नहीं दिख रहा है. सो आप क्या कर सकते हो, आप उस वीडियो को जूम कर सकते हो. ठीक है, आप उसे जूम कर सकते हो. YouTube हैज़ दैट फीचर नाउ कि अगर आप जूम किए तो आपको दिख जाएगा. ठीक है, सो आई होप दैट दिस हेल्प्स यू. But I'm really sorry if there was some inconvenience that the video has caused. And also this is an update ki Instagram mein I'm giving some weekly zodiac readings. ठीक है, reels के हिसाब से जो आज मैं आज upload हो जाएगा like 4 PM तक. So you can check that out. मैं जो link है channel का I will give it in the pinned comment या description box में भी actually है. So आप वहाँ से देख सकते हैं, because weekly zodiac signs का बहुत request लोग करते थे that they want weekly also. So weekly मैं Instagram में दे दूँगी, और जो normal zodiac readings आता है वो आ जाएगा एक एक करके. 3 already upload हो चुका है, बाकी के जो भी है वो आजकल में आ जाएगा. So आप channel में जाके ऑफ कोर्स देख पाएंगे जो फुल लेंथ होता है, जो नॉर्मली आप लोग देखते हैं पार्ट 1 पार्ट 2, एंड द रेस्ट ऑफ इट वीकली जो होंगे वो इंस्टाग्राम पे होंगे, क्योंकि इट्स ईजियर देयर लाइक दैट. इट्स ईजियर देयर. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव. थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड. विल सी यू अनदर, सी यू इन अनदर रीडिंग. हैव अ ग्रेट टाइम, हैव फन, गुड बाय.